ओम शांति। आज है 22 सितंबर 2022। आज 22 सितंबर 2022 है, आज है सतगुरुवार। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जितना समय मिले सच्ची कमाई करो, चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। प्रश्न, जिन बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा बोले, जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी सब कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, अवस्था एक रस हो जाएगी, मैनर सुधरते जाएंगे। प्रश्न दो, शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं है तो रिजल्ट क्या होगी? आज की मुरली में दो प्रश्न बाबा ने पूछे। दूसरा प्रश्न, शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं है तो रिजल्ट क्या होगी? कोई ना कोई विकर्म जरूर होगा, बुद्धि इतना भी काम नहीं करेगी कि हमारे द्वारा कोई विकर्म हो रहा है, बाप का फरमान न मानने के कारण धोखा खाते रहेंगे। बाप का फरमान न मानने के कारण क्या होगा? धोखा खाते रहेंगे। गीत है आखिर, वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों को खातिरी हो गई है कि बेहद का बाप आया हुआ है, श्री कृष्ण को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। यह गीत तो यहाँ के नाटक वालों ने बनाए हुए हैं। महाराजाधिराज श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, महाराजाधिराज श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, बाप कहते हैं मैं तो नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। तो श्री कृष्ण को क्या बनाते हैं बाबा? महाराजाधिराज। बाप कहते हैं मैं तो नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। तो इन गीतों से भी कुछ न कुछ अच्छा अर्थ निकलता है। बेहद का बाप गरीब निवास जरूर है, जिस भारत को साहूकार बनाते हैं वह भारत अब गरीब बन गया है। तो बाबा आज गीतों के लिए बोल रहे हैं कि इन गीतों में कोई ना कोई विशेष ज्ञान से रिलेटेड बातें और अर्थ सामने निकल आता है। बेहद का बाप गरीब निवास जरूर है, जिस भारत को साहूकार बनाते हैं वह भारत अब गरीब बन गया है। भारत में ही उनका जन्म होता है और कहीं उनका जन्म गाया हुआ नहीं है। भले पूजा करते हैं कोई भी नेशन में यह चित्र है, परंतु जन्म तो यहाँ होता है ना। कोई भी नेशन में यह चित्र है, परंतु जन्म तो यहाँ होता है ना। जैसे क्राइस्ट का जन्म और कोई जगह है, परंतु चित्र तो यहाँ भी है ना। तो भारत को गॉडफादर का बर्थ प्लेस कहेंगे, मनुष्य तो कुछ समझते नहीं। वह तो ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। आगे तुमको भी पता नहीं था, अभी जानते हो कि भारत पतित पावन परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। मनुष्य तो समझते हैं कि परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारा है। हाँ, मरण से बेशक न्यारा है, क्योंकि उनका अपना शरीर तो है नहीं, बाकी जन्म तो होता है ना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, मेरा दिव्य जन्म है, और मनुष्य तो गर्भ में प्रवेश कर फिर छोटे से बड़े बनते हैं, मैं ऐसा नहीं बनता हूँ। हाँ, कृष्ण माँ के गर्भ में जाते हैं, छोटे से बड़ा बनते हैं। हर एक आत्मा अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश कर जन्म लेती है, यह मनुष्य मात्र की बात है। मनुष्य ही कंगाल, मनुष्य ही सिरताज बनते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि मनुष्य ही डबल सिरताज और मनुष्य ही क्या बनते हैं? कंगाल बनते हैं। भारत सतयुग आदि में डबल सिरताज था, पवित्रता की निशानी रहती है, पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज था ना। पवित्रता गुम हो जाने के बाद सिर्फ एक ताज रहता है, विश्व का मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते एक ताज गुम हो गया, फिर सिंगल ताज वाले बने। यह ज्ञान की बातें हैं। पूज्य से पुजारी बनने के कारण एक ताज गुम हो जाता है। राजाएं पतित होते आए हैं, और जो पावन राजाएं सूर्यवंशी चंद्रवंशी पास्ट हो गए हैं उनके चित्रों की पूजा करते आए हैं। राजाएं पतित होते आए हैं और जो पावन राजाएं सूर्यवंशी चंद्रवंशी पास्ट हो गए हैं
उनके चित्रों की पूजा करते आए हैं। जो पवित्र पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं, उनको ही 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। जो भारत कल पूज्य था सो अब पुजारी बना है, फिर पुजारी गरीब से पूज्य साहूकार बनना है। अब तो कितना गरीब है, कहाँ हेवन के महल थे, मंदिर के ऊपर भी कितने हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, तो वे अपना महल तो और ही अच्छा बनाते होंगे ना। अभी तो कितना गरीब है, गरीब से साहूकार अभी तुम फिर बनते हो। पुरुषार्थ तुम बच्चों को करना है, युक्तियाँ रोज बतलाते हैं, जितना टाइम फुर्सत मिले यह याद की कमाई करनी है। ऐसे बहुत काम होते हैं जिनमें बुद्धि नहीं लगानी होती है, ऐसे बहुत काम होते हैं जिनमें बुद्धि नहीं लगानी होती है, कोई कोई में बुद्धि लगानी पड़ती है। तो जब फुर्सत मिलती है घूमने फिरने जाते हो तो बाप की याद में रहो, यह कमाई बहुत करनी है, यह है सच्ची कमाई, बाकी तो वह है अल्पकाल के लिए झूठी कमाई। यह शिक्षा तुम बच्चों को अभी ही मिलती है। तो आज की मुरली में बाबा ने गुहित गुह्य राज हम सब बच्चों को सुनाया है। और आज की सद्गुरुवार की मुरली जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और विशेष होता है। आगे बाबा कह रहे हैं कि तुम जानते हो कि हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है, हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है, घर बार भी नहीं छुड़ाते हैं, सिर्फ कहते हैं बच्चे विकार में नहीं जाना है। इस पर ही अक्सर करके झगड़ा चलता है, इस पर ही क्या होता है, झगड़े चलते हैं, ये बाबा हमें समझा रहे हैं। और सत्संगों में ऐसे झगड़े थोड़े ही होते हैं, वहाँ तो जो सुनाया वह सत सत कहकर चले जाते हैं, झगड़ा यहाँ होता है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, जैसे द्रौपदी को भी दिखाते हैं, पुकारा है कि बाबा हमें यह नगन करते हैं, इनसे बचाओ। बाप की तो शिक्षा है कि कभी भी नगन नहीं होना है, जब एक रस अवस्था हो जाए तब यह कर्मिंद्रियां शीतल हो, तब तक कोई न कोई चंचलता चलती रहेगी। जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा हो, बुद्धि में यह ख्याल रहे कि हमको कंपेनियन हो रहना है। विलायत में बहुत बूढ़े वानप्रस्थी होते हैं, समझते हैं पिछाड़ी में कौन मालिक बनेंगे, बाल बच्चे तो हैं नहीं, इसलिए पिछाड़ी में कंपेनियन बना लेते हैं, फिर भी कुछ उनको देखकर चले जाते हैं। तुम लोग तो अखबारें पढ़ते नहीं हो, अखबारों में समाचार बहुत आते हैं, तुम बच्चों को कोई वह पढ़ना नहीं है। बाप तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं पढ़े हो तो अच्छा है, जो कुछ भी पढ़े हो वह भूल जाओ। हमको बाप ऐसा पढ़ाते हैं जो हम सच्ची कमाई कर विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाप कहते हैं हियर नो इविल सी नो इविल, यह तुम्हारे लिए है, अभी तुम बच्चे मंदिर लायक बन रहे हो, तुमको ज्ञान सागर बाप मिला है तो उनका ही सुनना पड़े, दूसरे की तुमको क्या सुनने की दरकार है। मनुष्य टीचर के पास गुरु के पास जाते हैं तो गुरु कभी ऐसे कहते हैं क्या कि काम विकार में नहीं जाओ, वह तो पावन बनने की शिक्षा देते नहीं। कोई को वैराग्य आता है तो वह घर बार छोड़ भाग जाते हैं। बाप जो शिवाचार्य हैं वह ज्ञान का कलश तुम माताओं के सिर पर रखते हैं, बाकी इस पतित दुनिया में लक्ष्मी कहाँ से आई, लक्ष्मी नारायण तो सत्युग में होते हैं। अभी शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं, शिवाचार्य वाच ब्रह्मा मुख से, शिवाचार्य वाच ब्रह्मा मुख से तुम बरोबर स्वर्ग के द्वार खोलते हो तो जरूर तुम ही मालिक बनेंगे, स्वर्ग का द्वार खोलते हो, गोया स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हो, तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नरकवासी मनुष्य को स्वर्गवासी बनाना, तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नरकवासी मनुष्य को स्वर्गवासी बनाना। बाप भी यह सेवा करते हैं ना, पतित से पावन बनाना तुम्हारा भी यही धंधा है, जो बाप का धंधा है आत्माओं को स्वर्गवासी बनाओ। स्वर्ग की चाहना तो सब रखते हैं ना, कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, उनसे पूछना चाहिए कि जब वह स्वर्ग में गया तो फिर नरक में बुलाकर ब्राह्मण आदि क्यों खिलाते हो, फिर तो यह अज्ञान अंधियारा हुआ। क्या कहते हैं बाबा कि स्वर्ग की चाहना तो सब रखते हैं, कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, उनसे पूछना चाहिए कि जब वह स्वर्ग में गया तो फिर नरक में बुलाकर ब्राह्मण आदि क्यों खिलाते हो, फिर तो यह अज्ञान अंधियारा हुआ। तुम यहाँ से सूक्ष्म वतन में ले जाकर खिलाते हो क्योंकि तुम जानते हो
यह पवित्र भोजन है। वह जो मर जाते हैं उनको पवित्र भोजन थोड़े ही मिलता होगा। लिखते हैं बाबा फलाने का भोग लगाओ तो उनको पवित्र भोजन मिले। गाया हुआ है देवताएं भी ब्रह्मा भोजन को पसंद करते हैं। देवताएं भी क्या पसंद करते हैं? ब्रह्मा भोजन को पसंद करते हैं। बरोबर तुम्हारी महफिल सूक्ष्म वतन में लगती है। ऐसे नहीं कि ध्यान कोई अच्छा है, नहीं, योग को ध्यान नहीं कहा जाता और ध्यान को योग नहीं कहा जाता। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। वैकुंठ में जाकर रास विलास करते हैं, वह कोई कमाई नहीं है। मुरली तो सुन नहीं सकते, यह भोग आदि तो एक रसम रिवाज है ड्रामा अनुसार। क्या कहा बाबा ने? बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। वैकुंठ में जाकर रास विलास करते हैं, यह कोई कमाई नहीं है। मुरली तो सुन नहीं सकते, यह भोग आदि तो एक रसम रिवाज है ड्रामा अनुसार। मनुष्यों की रसम रिवाज और संगम युगी ब्राह्मणों की रसम रिवाज में रात दिन का फर्क है। यहाँ से जाकर सूक्ष्म वतन में खिलाते हैं। इन बातों को जब तक नए समझे नहीं तब तक संशय उठता है। इन बातों को जब तक नए समझते नहीं तब तक संशय उठता है। हम कहेंगे ड्रामा अनुसार उसकी तकदीर में नहीं है तो संशय पड़ा और चला गया, फिकर की बात नहीं, इनकी तकदीर में नहीं था। पहली बात भूल जाते हैं कि हमको बाप से वर्षा लेना है। कोई बात में संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। अरे हमारा काम है वर्षे से, हम पढ़ाई फिर क्यों छोड़े? मुरली तो सुनना है ना। निराकार बाप तुमको डायरेक्शन कैसे सुनाएंगे? उनको मुख जरूर चाहिए। ब्रह्मा मुख से अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारियों से सुनना है। कोई बाहर में दूर चले जाते हैं, मुरली भी नहीं मिल सकती है तो बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं है, तुम याद में रहो और सुदर्शन चक्र फिराते रहो। यह बाप की श्रीमत मिली हुई है, यह बाप की श्रीमत मिली हुई है। कहाँ भी हो तुम लड़ाई के मैदान में हो। बाबा समझा रहे हैं कहाँ भी हो तुम लड़ाई के मैदान में हो। आगे बाबा कहते हैं कि बाप मिलिट्री वालों को भी समझाते हैं कि तुमको वह सर्विस तो करनी है, यह तो तुम्हारा धंधा है, शहर की संभाल करना है। तुम पगार खाते हो, एग्रीमेंट की हुई है तो संभाल भी करनी है। तुम पगार खाते हो, एग्रीमेंट की हुई है तो संभाल भी करनी है। बुद्धि में लक्ष्य तो बैठा हुआ है। बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। वह कहते हैं बच्चे तुम मेरी याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा की याद में रहकर खाओ तो कोई ऐसी चीज होगी वह पवित्र हो जाएगी। शिव बाबा की याद में रहकर खाओ तो कोई ऐसी चीज होगी वह पवित्र हो जाएगी। जितना हो सके परहेज भी रखनी है। लाचारी हालत में बाबा को याद करके खाओ, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान को युद्ध नहीं कहा जाता, याद में ही युद्ध होती है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। माया का थप्पड़ नहीं लगेगा, देह अभिमानी नहीं बनेंगे। तुम अपने को आत्मा समझो, क्या नहीं बनेंगे? देह अभिमानी नहीं बनेंगे। तुम अपने को आत्मा समझो, तुम शरीर को याद करते रहते हो, आत्मा को भूल गए हो। इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है, उनको जानते हो? उनका नाम रूप देश काल लिखो, उनमें भी वैरायटी लिखते हैं। कोई लिखते हैं आत्मा का बाप हनुमान है, कोई क्या लिखते हैं, कितना अज्ञान है। तो फिर समझाया जाता है आत्मा तो है निराकार, तुम्हारा गुरु तो साकार है। निराकार का बाप साकार कैसे होगा? निराकार का बाप साकार कैसे होगा? समझाने की प्रैक्टिस पर सारा मदार है। और साथ में मैनर्स भी अच्छे चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले हैं। दूसरे को तीर अच्छा लग जाता है, खुद में मैनर्स न होने के कारण उन्नति होती नहीं। याद बहुत अच्छी चाहिए, कोई तो ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, योग कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि योग बिगर ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है, धारणा तो हो जाती है। समझो किसको हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं वह तो झट बुद्धि में बैठ जाएगा। बाबा की याद का कुछ भी बुद्धि में नहीं होगा, बाबा की याद का कुछ भी बुद्धि में नहीं होगा। मांस मदिरा भी खाते होंगे, यह तो एक कहानी है। वह याद पढ़ना तो सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आ जाती है। याद की बात ही नहीं, पवित्रता की भी बात नहीं। ऐसे भी बहुत हैं, शिव बाबा को याद नहीं करते तो विकर्म विनाश होते नहीं, और ही जास्ती विकर्म करते रहते हैं। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती कि यह विकर्म है,
फरमान न मानना यह तो बड़ा पाप है। शिव बाबा का फरमान है ना, यह करो। उनका फरमान नहीं मानेंगे तो बड़ा धोखा खाएंगे। तो बाबा ने आज की मुरली में एक बहुत ही गुह्यतम पॉइंट्स हम सभी को सुनाया। आइए दोबारा इसको सुने। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा गुरु तो साकार है, निराकार का बाप साकार कैसे होगा? समझाने की प्रैक्टिस पर सारा मदार है, और साथ में मैनर्स भी अच्छे चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले हैं, दूसरे को तीर अच्छा लग जाता है। खुद में मैनर्स न होने के कारण उन्नति होती नहीं। याद बहुत अच्छी चाहिए, कोई तो ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, योग कुछ भी नहीं। कोई बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, योग कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि योग बिगर ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है, धारणा तो हो जाती है। समझो किसको हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, वह तो झट बुद्धि में बैठ जाएगा। बाबा की याद का कुछ भी बुद्धि में नहीं होगा। मांस मदिरा भी खाते होंगे, यह तो एक कहानी है। वह याद पढ़ना तो सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आ जाती है, याद की बात ही नहीं, पवित्रता की भी बात नहीं। ऐसे भी बहुत हैं, शिव बाबा को याद नहीं करते तो विकर्म विनाश होते नहीं, और ही जास्ती विकर्म करते रहते हैं। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती कि यह विकर्म है। फरमान न मानना यह तो बड़ा पाप है। शिव बाबा का फरमान है ना, यह करो। उनका फरमान नहीं मानेंगे तो बड़ा धोखा खाएंगे। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाना तो बड़ा सहज है, बाबा ने समझाया है। तुम स्कूलों में भी जाकर समझा सकते हो। यह तुम हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, बेहद की तो तुम पढ़ते नहीं हो। लक्ष्मी नारायण का राज्य बताओ कहाँ गया? सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनेस्टी जो चली वह फिर कहाँ गई? उन्हों का राज्य किसने छीना, किसने चढ़ाई की? तुम बच्चे ही जानते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। यह किसको भी समझाओ तो सात रोज में बुद्धि आ जाएगा, सात रोज में बुद्धि में आ जाएगा। यह किसको भी समझाओ तो सात रोज में बुद्धि में आ जाएगा, परंतु मैनर्स नहीं है। ऐसे नहीं कि विकार में जाने से हिस्ट्री ज्योग्राफी को भूल जाएंगे। सारी बात योग की मुख्य है, योग में ही माया धोखा देती है। तुमको सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं, यहाँ ही बनना है। कई प्रतिज्ञा करके भी फिर ठहर नहीं सकते हैं, माया बड़ी प्रबल है ना। बाप को पूरा याद नहीं करते हैं तो विकर्म विनाश नहीं होते हैं, और ही डबल विकर्म करते रहते हैं। उनको पता भी नहीं पड़ता और कहने से भी समझ नहीं सकते। तो आज की मुरली में बाबा बहुत ही गुह्य पॉइंट्स बता रहे हैं। तो अब बाबा यह समझा रहे हैं कि बच्चों को जो है बाबा की याद में रहना है। तुम बच्चे जानते हो कि बाप गरीब निवास रहम दिल है। हम बच्चों को खास और सबको आम समझाते रहते हैं। इन पर्टिकुलर खास हम सुखधाम में जाते हैं, इन जनरल आम मुक्ति धाम में जाते हैं, इन जनरल आम मुक्ति धाम में जाते हैं। सत्युग में बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था, फिर चंद्रवंशी, उनके बाद इस्लामी बौद्ध आदि आए हैं, तो वह आदि सनातन धर्म गुम हो गया है। फिर चंद्रवंशी उनके बाद इस्लामी बौद्ध आदि आए हैं तो वह आदि सनातन धर्म गुम हो गया है। बड़ का झाड़ कलकत्ते में जाकर देखो, फाउंडेशन है नहीं, सारा झाड़ खड़ा है। यह भी ऐसे है, अब फिर से स्थापना हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात में संशय उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप और वर्षे को याद करना है, एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो पढ़ा है वह सब भूल जाना है, बाकी जो सब पढ़ा है वह सब भूल जाना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। न सुन बुरा, न देख बुरा, न बोल बुरा। वरदान, बाप की छत्र छाया के नीचे रह, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। बाप की छत्र छाया के नीचे रह, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। विस्तार में बाबा बोले, माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना,
सब फिक्र बाप को दे दिया। जिनकी खुशी गुम होती है कमजोर हो जाते हैं, उन पर माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है, क्योंकि कमजोरी माया का आह्वान करती है। अगर स्वप्न में भी माया की छाया पड़ गई तो परेशान होते रहेंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। इसलिए सदा बाप की छत्र छाया में रहो, याद ही छत्र छाया है। स्लोगन है, जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर है, जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर है। तो आज की मुरली में बाबा ने मास्टर मुरलीधर कौन है यह बताया।